देखिए मैं इस समय नवोदय विद्यालय के में अपने हाउस में हूँ जिस नौ मैं अपने हाउस में हूँ जिस हाउस का नाम है नीलगिरी जूनियर सदन। मैं जूनियर में हूँ क्योंकि टेंथ के बाद से सीनियर सदन होता है। ये मेरा बेड है और आप आके देख सकते हैं, ये जेएनबी पाठशाला का बेड है। जेएनबी पाठशाला यानी सीओ मिश्रा का बेड है और हमको देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी जो जो टेंथ वाले भैया लोग हैं अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन उन लोगों का टेंथ का एग्जाम कैंसिल हो गया सीबीएसई बोर्ड का, तो वो भी अब घर जाने के लिए प्लान में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तिलोकी भैया भी बैठ के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बंद कर दिया लिखना। यहाँ पे देख सकते हैं तिलोकी भैया बैठे हैं, ये बहुत बढ़िया भैया है। देखिए मैं दो हाउस के बीच में हूँ, यानी अरावली और नीलगिरी के बीच में हूँ, और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो नीलगिरी हाउस है यही हाउस है, और ऊपर देखेंगे तो मेरा खिड़की दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए वो मेरा खिड़की दिखाई दे रहा है जो इस समय प्रेजेंट टाइम ओपन है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो ओपन कर दिया गया कि हवा आएगा जाएगा। और यहाँ पे सभी बच्चे अपना कपड़ा धो करके सूखने के लिए डाले हुए हैं और यहाँ वीडियो शूट कर रहे हैं, तो हाय बोल दीजिए। उसके बाद से देख सकते हैं कि और भी जितना हाउस के बच्चे हैं वो भी अपना शूट करके, वहाँ पे कूलर दिखाई दे रहा है फिल्टर वाला पानी, जैसे कि यहाँ पे आरओ लगा हुआ है, तो वहाँ पे बच्चे कपड़ा धोते हैं पूरा, यहाँ पे सूखने के लिए डालते हैं। जब हम लोग रहते थे तो पूरा भर जाता था क्योंकि सैटरडे था, शनिवार था, उसके अगले दिन संडे था, तो इसीलिए पूरा धो करके भर देते थे। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? देखो यहाँ पे जा रहा है घर अपने, और ये आकाश भाई है हमारे दोस्त, ये भी क्लासमेट है, नवोदयन का पूरा है, बास्केटबॉल का फादर है भाई। नहीं इस समय हाउस और एकेडमी के बीच वाले रास्ते पे हैं, जहाँ पे वो दिखाई दे रहा है उधर ही एकेडमी साइड हुआ है, और यहाँ पे आपको मतलब कि वहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे बास्केटबॉल गोल पोस्ट भी है, और यहाँ पे साइड साइड में पत्ता भी गिरा हुआ है। पत्ता क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि पतझड़ का सीजन है इस समय, पूरा पत्ता गिरा हुआ। अगर हम लोग रहते लो या कोई और कर्मचारी रहता सफाई करने वाले, तो इसको पूरा सफाई करते लो। यहाँ पे जो बाउंड्री दिखाई दे रहा है, खेलते हैं तो कभी कभी बॉल उधर भी चला जाता है, मारते थे फुटबॉल बॉल इधर। यहाँ पे आम का भी पेड़ दिखाई दे रहा है, इस पे बहुत से बड़े बड़े आम हो जाते थे इस समय प्रेजेंट टाइम में, तो उसको तोड़ करके खाते थे, भुजड़ी बनाते थे, मतलब कि आप समझती होंगी, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना, मजा आया। बास्केटबॉल कोर्ट भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत बढ़िया बहुत धाकड़ मैच होता था, हम लोग का हाउस लेवल या क्लास लेवल बहुत धाकड़ मैच हुआ करता था यहाँ पे। नहीं तो बास्केटबॉल के पोर्ट में है लो, यहाँ पे अम्रवाटिका आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी में मतलब कि बहुत ज़्यादा पेड़ आम के पेड़ है, इसीलिए अम्रवाटिका इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पे जो साइड में जो दिखाई दे रहा है, यहीं पे हम लोग बैठ करके जब भी बास्केटबॉल का टूर्नामेंट या मैच होता था क्लास वाइज या हाउस वाइज, तो यहीं पर बैठ करके चारों ओर भीड़ लगा करके देखते थे। और वहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एकेडमिक ब्लॉक है। अगर यहाँ पर कोई फेस्टिवल पड़ता है या कोई भी कुछ रहता है, इतना धाकड़ भव्य तरीके से सजाया जाता है कि मज़ा ही आ जाता है पूरा देख करके। यहाँ पर पेरेंट्स भी आए हैं, क्लासमेट्स भी आए हैं, क्योंकि आज पूरा स्टेशनरी सामान मिल रहा है और बुक कॉपी मिल रहा है, इसीलिए मैं भी आया हूं, तो पूरा आपको वीडियो बना करके शेयर कर रहा हूं। तो यहां पे देख सकते हैं एकेडमिक ब्लॉक। मैं अमर वाटिका हूँ, यहीं पे कोई भी स्टेज शो होता है या कुछ भी होना रहता है, कोई भी जयंती यहीं पे मनाया जाती है, यहीं पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी सब स्टूडेंट ही बजाते हैं, और साइड में यहीं पे बैठ करके सभी लोग इसके आनंद लेते हैं। पेरेंट्स भी आए हुए हैं कुछ सामान लेने के लिए या किताब बुक लेने के लिए, मेरे क्लासमेट्स हैं सब। और यहाँ पर सबसे फन फैक्ट आपको दिखा रहा हूँ, बोला जाता है कि नवोदय विद्यालय कब्रिस्तान पर रहता है, लेकिन रियली में कब्रिस्तान पर है, इससे कुछ प्रॉब्लम तो हुआ नहीं, बस वैसे ही बस बनाया गया है, जब ये स्कूल नहीं था तब का है ये। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। जब मॉर्निंग का समय होता है तो उठते हैं लोग, तो इधर ही इनका मुंह देख करके प्ले ग्राउंड की तरफ जाते हैं पीटी करने, और फिर से आते हैं लोग यार रात को समय, या मतलब कि एकेडमी से पढ़ने के बाद, सुपरवाइज पढ़ने के बाद इन्हीं का मुंह देख करके जाते हैं लोग, फिर से सो जाते हैं लोग। सोचिए कितनी बड़ी बात है महात्मा।
तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ जो बाहर की तरफ है। हम ही लोगों का क्लास था लेकिन प्रेजेंट टाइम में चेंज हो गया। मैं मार्क्स निकाल दिया हूँ और पीछे से वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि उस समय जब साउंड रिकॉर्ड कर रहा था तो साउंड अच्छे से नहीं हो पाया है, तो वॉइस ओवर कर दे रहा हूँ। तो क्लास की तरफ चल रहे थे, यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पेड़ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आकर के छाँव में कभी कभी खेलते थे जब संडे रहता था। तो क्लास का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, तो क्लास का व्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी डेस्क एक साथ हटाए गए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम था इसीलिए। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का क्लास है, ऊपर फैंस भी हैं और भी जितना बल्ब होता है रात के समय सभी चीज। और ब्लैक बोर्ड पे देखिए किसी का फिगर बनाया गया, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। यहाँ पे टाइम टेबल भी लगाया गया, हम ही लोग के क्लास वाले लगाए थे लो। और वहाँ पे देख सकते सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं साइड में कॉर्नर में। ये हाउस मास्टर का रूम है, अगर कोई बच्चों का मतलब बच्चों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो यही सॉल्व करते हैं। तो जनरली नवोदय विद्यालय में चार हाउस रहता है, अरावली, नीलगिरी, उदयगिरी, शिवालिक। तो ये अरावली हाउस है, अरावली हाउस में ऊपर 24 बच्चे रहते हैं और ये हाउस मास्टर है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वही सॉल्व करते हैं बच्चों से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऊपर 24 नीचे 24 रहते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये नीचे कोई और हाउस मास्टर रहते हैं और ऊपर कोई और हाउस मास्टर, ये दूसरे हाउस के मतलब टीचर हैं और दूसरे हाउस के। कोई भी प्रॉब्लम होता है वो अलग अलग हाउस के, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सभी को मिल करके। यहाँ पे भैया लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए एकेडमिक ब्लॉक, यहाँ पे देख सकते हैं शिवालिक ब्लॉक है, मतलब शिवालिक हाउस है। यहाँ पे ऊपर भी 24 बच्चे रहते हैं, नीचे भी 24 बच्चे रहते हैं। तो हम मेस की तरफ चल रहे हैं, मेस की तरफ यानी आपको बता दूं मेस मतलब जहाँ पे खाना बनता है, खाना सब बच्चे खाने जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हाउस है पूरा, इसी में मतलब वहाँ पे बल्ब वल्ब सब लगा हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑपरेटर है यानी नवोदय विद्यालय का पूरा सबसे बड़ा मोटर जिससे पानी सप्लाई होता है वो वहीं पे है। और वहाँ पे आपको मेस दिखाई दे रहा होगा जिसमें बच्चे सब खाना खाने जाते हैं सब। और ये देख सकते हैं पीछे का डोर है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे टॉयलेट रहता है, सब कुछ यहाँ पे व्यवस्था रहता है। और वहाँ पे देख रहे हैं वो सीनियर हाउस दिखाई दे रहा है, सीनियर यानी 10th से ऊपर 10th 11th 12th इन भैया लोगों का हाउस होता है। और हम लोग चलते हैं यहाँ पे मेस की तरफ, मेस की तरफ देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, इस समय कुछ बदला हुआ है या नहीं बदला हुआ है। तो मेस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कैसे खाना बन रहा है, कैसे डेस्क हो गया है, क्या 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 हो रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेस के रास्ते पे पहुँच गया हूँ, यहाँ पे जाने वाला रास्ता है, जाने वाला मतलब कहीं से भी जा सकते हैं, बहुत से डोर होते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे इधर ही से, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एंट्री है, एंट्री कर सकते हैं। कभी कभी दरवाज़ा खुला रहता है, कभी कभी बंद रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिन रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी खाना खा कर आया या नाश्ता कर गया है तो यहीं पे अपना थाली धो सकता है, तो थाली खुद ही धोना रहता है, कोई और नहीं धोता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बैठ करके खाना वाना खाते हैं। अगर मैं इसका वीडियो प्ले कर देता हूँ तो आप देख लीजिए ऐसे ही बैठ करके खाना खाते हैं। देख सकते सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे टीवी है, ठीक है, हाँ, मतलब कि डेली चलता है 8 से 8:30 तक क्योंकि जो उसी समय खाना रहता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी डेस्क पे मैं बैठ करके खाना खाता था, यहाँ पे वो कूलर है यानी पानी को ठंडा करने वाला है, तो मैं उसी डेस्क पे बैठ करके खाना खाता था। और यहाँ पे सभी बच्चे जो मतलब जिस टेबल पे बैठे हैं उसको बस नीचे किया गया, बाकी सब वहाँ पे काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं, काउंटर्स यानी यहीं पे खाना वाना रख दिया जाएगा। और जिस हाउस का ड्यूटी रहेगा यानी बच्चे सब ड्यूटी करते हैं अपने हाउस के खिलाने के लिए, 8-9 यानी 7-6 जितना भी बच्चे सेलेक्ट हुए रहते हैं उनका रहता है डेली अलग अलग हाउस की। यहाँ पे देख सकते हैं मेस है, यहीं पे खाना वाना अच्छे तरीके से बनाया जाता है और उसमें एक कर्मचारी हैं जो खाना बना रहे हैं। और देख
सकते हैं, इसी काउंटर से हम लोग नाश्ता भी लेते हैं सुबह सुबह या दोपहर में, या जो भी मिल्क ब्रेक हो तो मिल्क यहीं से मिलता है। और टेक्स है तो यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी उधर यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा होगा, और भी वो गर्ल साइड है, यहाँ पे बॉय साइड है, वहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो गर्ल साइड है। और यहाँ पे जो गेट है यहाँ पे जा सकते हैं डायरेक्टली अंदर, या कोई भी कंट्रोल रूम है यहीं से जा सकते हैं। तो मैं गर्ल साइड में चल रहा हूँ, वहाँ पे कुछ सिंबल बनाया गया है हाथ के रखी, कोई भी कुछ चाहिए तो बोलना नहीं है कि हमको चावल चाहिए, हमको सब्जी चाहिए, हमको दाल चाहिए। यहाँ पे टीचर बैठ के खाते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट सब रहते हैं, यहाँ पे गर्ल्स जितनी भी रहती हैं वहीं पे बैठ के खाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चावल सब्जी दाल और रोटी के, रोटी के लिए एक अंगुली, दाल के लिए दो अंगुली और सब्जी के लिए तीन अंगुली। और यहाँ पे मैं मोबाइल को सीधा कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे चावल के लिए चार, मतलब चार, मैं शुरुआत में गया था तो मैं समझ ही नहीं रहा था क्या करना है, यहाँ पे चार अंगुली मतलब चावल, तीन अंगुली मतलब सब्जी, ऐसे करके आप भी यहाँ पे ज़्यादा समझ जाएंगे कि समझ रहे हो ना कि ये क्या होता है। अगर आप ऐसे दो ऊपर उठा दिए तो अपने आप अपने मतलब आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। यहाँ पे टीचर बैठ करके अपना नाश्ता करते हैं, मतलब कि यही खाना टीचर भी खाते हैं जिनको जिनको खाना रहता है। तो हम लोग वापिस चलते हैं हम लोग अपने हाउस के तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर भी बेसिन पूरा लगा हुआ है, बेसिन इस समय बंद है, तो इस समय सफाई उफाई भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है पहले से मुताबिक। यहाँ पे जो टीचर उचर रहते हैं या कोई भी बनाने वाले रहते हैं तो उन्हीं का साड़ी या कपड़ा रहता है। और इसके बाहर चलते हैं, बाहर चलते हैं तो आप चलते हैं यहाँ पे गर्ल्स की तरफ, गर्ल्स के प्ले ग्राउंड की तरफ, तो उसके बाद देखते हैं। ये हमारे सुधांशु भैया है, क्लास इस समय प्रेजेंट 11th में जाएंगे, और हमसे बहुत सीनियर है और बहुत हाइट वाले भी हैं, देख सकते हैं आप, इसलिए सबसे लंबे हैं। म्यूजिक चलिए चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल के प्लेग्राउंड, और वहाँ पे जहाँ पे हम लोग असेंबली होता था, इवनिंग असेंबली, वहाँ पे स्नैक्स मिलते थे, कभी बिस्कुट मिल जाता था, कभी कुछ भी मिल जाता था, कभी रसगुल्ला मिल जाता, कभी पेड़ा, कभी समोसा, कभी केला, कभी डेली अलग अलग चीज़ मिलता रहता था। तो ये नहीं कि एक ही चीज़ मिलता, कभी नमकीन मिलता। यहाँ पे जो यही मेस भी है, मेस है ये पूरा, और देख सकते हैं मेस, और यहाँ पे साइड में आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा ओवरऑल व्यू, पूरा जंगल टाइप का हो गया। यहाँ पे बास्केटबॉल ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है, खो खो ग्राउंड भी दिखाई दे रहा है, और वहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा बास्केटबॉल ग्राउंड में ही मैच भी होता था, लेकिन कभी देखने आते नहीं थे लोग, क्योंकि गर्ल्स का होता था तो है नहीं। तो वहां पे देख सकते हैं कि आपको हैंडबॉल ग्राउंड भी दिखाई दे रहा होगा अच्छे तरीके से, इसी में असेंबली भी होता था पूरा धाकर तरीके से, और यहीं पे पेड़ छांव है, और वो दिखाई दे रहा है स्टॉप वार्ड यानी जितने भी सर रहते हैं, जितने भी कर्मचारी रहते हैं वहीं पे रहते हैं, उसी घर में रहते हैं। और वो साइड में पीछे हमारे पीछे दिखाई दे रहा है, यानी दिखा रहा हूं आपको गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, ये गर्ल्स हॉस्टल है मेरे पीछे। तो गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाना तो अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आपको इधर ही से पूरा दिखा दे रहा हूं, तो अच्छे तरीके से देख लीजिए। गर्ल्स हॉस्टल की इधर ही से एंट्री करके वो के लिए खाना के लिए मतलब जाती हैं लोग। तो यहाँ पे अब चलते हैं वापस, देखते हैं कि अगला सीन क्या हो रहा है, क्या इसके आगे हो रहा है। तो अगले सीन को देखते रहिए, इस वीडियो को एंजॉय करते रहिए, तब तक लिए शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, शेयर कर दीजिए अभी कभी दिखा दीजिए कि नवोदय कुछ ऐसा दिखाई देता है। तो फिलहाल आए थे लोग हम लोग बुक लेने या कॉपी लेने, तो सोचे लो कि हम लोग प्लान बना करके आए थे लोग कि जल्दी से जल्दी हम लोग वीडियो शूट करके यहाँ से चले जाया जाए, क्योंकि कोरोना की वजह से मास्क भी लगाना कंपलसरी है यहाँ पे, क्योंकि और भी स्टूडेंट रहते हैं। तो अगला सीन देखिए क्या हो रहा है। और बच्चे भी भोग रहे हैं, प्रवीण को भोग रहा है, प्रवीण का दोस्त रहा था बहुत पुराना, इसी के कारण तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है वैसे। क्यों प्रवीण तुझे भोग रहा ना? शिवम सर जी को भूख रहा था, लेकिन अब क्या करूं, मास्क उतार दिए इसीलिए कह रहे चल मास्क लगा, चल मास्क लगा, लेकिन नहीं लगा रहे हैं। वहां पर देखिए, उसको देखिए, मास्क नीचे किया हुआ, इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे जेएनबी पाठशाला को, कह रहे कि मास्क लगाओ आप, लेकिन म्यूजिक नहीं लगा रहे। देखिए आप लगाए हैं, अब चुप भी हो गए। हाय कैसे हो, ये है मेरे जेएनबी पाठशाला, जिनको आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, पूरा सॉल्व करते होंगे, इनको पहचानते ही आप जरूर होंगे, क्योंकि स्पेशल है, कोई नहीं कर देना, कोई बात नहीं, इनके चैनल जाओ सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मैं हूँ अनुराग है और शिवम है, शिवम को तो आप जानते ही, अनुराग भाई को तो जान लीजिए, ये भी मेरे तीन दोस्त हैं जिनको पास से बुलाया जाता है, पी से मतलब परवीन, ए से मतलब अनुराग, और यस से मतलब शिवम। और कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? मजा आया।
और ये हम लोगों का गार्डन है, जिस गार्डन में हम लोग पूरा अच्छे तरीके से साफ सफाई करते थे, कोई भी फूल यहाँ पे हम लोग का हाउस है, यही हाउस है। और यहाँ पे जो भी मतलब कि वो सीनियर हाउस आपको दिखाई दे रहा होगा, सीनियर हाउस जिसमें 10 से ऊपर भैया लोग रहते हैं, तो इस हाउस का भी कोई भी काम रहता था, कुछ भी करना रहता था, एक आदमी नहीं करता था, सभी कोई मिल के करता था। ये तो बात है, यहाँ पे अगर आप आ गए तो यहाँ पे यूनिटी का मतलब समझ लेंगे कि यूनिटी क्या होता है असल में रियल लाइफ में, मतलब कि आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा अगर आप पास होकर के नवोदय विद्यालय में आ गए तो। यूनिटी का मतलब वहाँ पे देख सकते हैं कि ये हम लोग टाइप का, यहाँ पे पत्ता पूरा झड़ उड़ गया है इस, क्योंकि इस समय आधी चल रहा है पतझड़ का सीजन है, तो पूरा इस समय पत्ता गिरा हुआ है। रहते लो तो कुछ साफ करते लो, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलम में आता है। अगर आप नवोदय विद्यालय में आ गए तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलम तो आ ही जाएगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आता होगा तब भी आप एक्स्ट्रा करिकुलम बहुत कुछ जान जाएंगे। तो देखिए इसके आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे अनुराग भाई है, यहाँ पे हम लोग बाथरूम वाला रूम है, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम सभी चीज इसी में बड़े वाले रूम में रहता है पीछे वाले में। तो यहाँ पे देखिए सभी पत्ता झड़ करके थोड़ा बेकार लग रहा है। ये एकेडमिक साइड में यानी जो एंट्री होता है मेन गेट रहता है वही रोड चला जाता है ये। तो ये होता है हम लोग का हाउस, यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये हाउस है, यहीं पे हम लोग बाल वाल कटवाना रहता है, कोई भी आता है फ्री में बाल काटने वाला नवोदय देता है, मतलब कि प्रिंसिपल कहे रहते हैं कि यहाँ पे नाई भी फ्री में मिलेगा। तो ऐसे बाल काटते हैं कि एक बार कटवा लीजिएगा दोबारा आप कटवाने का मन नहीं करेगा। तो मैं जहाँ तक मतलब कि मैं अब तक नवोदय विद्यालय में था लेकिन एक भी बार बाल नहीं कटवाया था अंदर के, मतलब कि अंदर के जो भी नाई आते थे जो भी हजाम आते थे उनसे कभी कटवाया ही नहीं था। तो अगला सीन देखते हैं, अगला सीन क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग का हाउस खत्म हो गया, वो अरावली हाउस दिखाई दे रहा है। भाई अपना इंट्रो शूट कर रहे हैं और इनका कैमरामैन आकाश भाई हैं, और घूम करके देखेंगे तो एक पतला सा लंबा सा लाठी जैसा दिखाई देगा जिनका नाम आलोक भाई है, और यहाँ पे ऑडियंस है, इनका वीडियो देख रहे हैं कि कैसे शूट हो रहा है। और ये हम लोग का एकेडमिक ब्लॉक है, ये एकेडमी का प्ले ग्राउंड वाला गेट है, और यहीं से हम लोग आते हैं लोग, कभी कभी गेम पीरियड रहता है या कोई काम रहता है तो यहीं से आ करके पूरा इधर खेलने जाते हैं लोग। ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है यही एकेडमी के सामने चला गया है, जो इसके मैं पहले बुद्ध भगवान जी वाले में बताया हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का प्ले ग्राउंड है, बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, इसी पे हम लोग आते थे शाम को इवनिंग में या जब छुट्टी रहता था तभी आते थे लोग, अच्छे तरीके से खेलते थे लोग। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एकेडमिक ब्लॉक कितना अच्छे तरीके से सुंदर तरीके से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पेड़ जो है इसको गांव के लोग सेमराहो बाबा कहते हैं, और यहाँ पे और देख सकते हैं गोल पोस्ट भी है, गोल पोस्ट ये इसको हम लोग छोटा फुटबॉल वाला मान के खेलते थे लेकिन ये रियल में हैंडबॉल का है। सर से पूछे तो बताया कि रियल में ये हैंडबॉल में, तब हमको समझ में आया कि ये तो हैंडबॉल का है, लेकिन हम लोग फुटबॉल के समझ में अभी भी खेलते हैं लो, अभी रहते तो अभी खेलते रहते हैं लो। और इस समय कोरोना की वजह से पूरा बंद हो चुका है, और भी सब ग्राउंड आप देख सकते हैं बहुत बड़ा ग्राउंड है। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है झंडा वाला, यहाँ पे 26 जनवरी का 15 अगस्त को बहुत मतलब बहुत धाकड़ परेड होता है। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे बास्केट मतलब रियली फुटबॉल का जो मतलब ग्राउंड होता है वहीं पे, और यहाँ पे सभी बच्चे बैठ करके अच्छे तरीके से धूप लगे या छांव लगे तो यहाँ पे बहुत धाकर तरीके से हवा बहता है।